के कलम के साथ बैठे और आज उसके आगे पढ़ते हैं, क्योंकि 25 नंबर तक हम लोगों ने गणित के प्रश्नों को हल कर लिया था। अब उसके बाद उसके आगे हल करना है। सामने दिया है, यदि एक संख्या का मान दूसरे संख्या की अपेक्षा 25% कम, इस तरह के प्रश्न हमने आपको कराया है। और अगर आपको ध्यान होगा कि सारे प्रश्न जितने भी गणित में पढ़ रहे हैं, ये मुश्किल से 10 से 12 सेकंड लगेंगे आपको हल करने में, और उन 10 से 12 सेकंड में हल करने के बाद आप इनके अंतिम उत्तरों तक पहुंच सकते हैं। ग्यारह अपेक्षा 25% कम, तो दूसरी संख्या का मान पहली संख्या की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक, इस तरह का सवाल 10 सेकंड से कम समय में आप लगा लेंगे, ऐसा मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था और आगे भी मैं यही बताऊंगा। इस तरह को सवाल को हल करना आपके लिए बहुत ही आसान है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, बस उसके बाद आप कर लीजिए। आइए देखते हैं कैसे हल होगा। मैंने कहा था यदि परसेंटेज पहले माइनस करें, बाद में प्लस करें और अंत में कहें कोई परिवर्तन ना हो, या पहले प्लस बाद में माइनस, तो मैं पहले टॉपिक को पढ़ना होता है, पहले टॉपिक को देखना होता है, पहले उठा कमी क्या रहा है या वृद्धि क्या रहा है, उसी के आधार पर हम लोग आगे सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पहली संख्या 25% कम है, यहाँ पे कम शब्द मिल गया, हम यहाँ पे लिखेंगे केवल 25 बटे कम का है, 100 में से 25 कम करेंगे क्या बचेगा 75, 25 बचे 75 परसेंट के लिए बोल, क्लियर। अब इसको डिवाइड कर छोटा करना है, 25 का 25, 25 किया 75, माने हो जाएगा 100/3, अर्थात 33.1/3%, अर्थात इसका उत्तर 20 का राइट आंसर। जितने लोगों को समझ में आ गया है वो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, अपने इस वीडियो को शेयर, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध होगी, ये पेड क्लास के लिए क्लास चल रही है, इसकी स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप दुर्गेश सर सर्च कर टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, दुर्गेश सर सर्च कर टेलीग्राम से लेने भी दुर्गेश से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ, और पेड क्लास में उपलब्ध करा दी गई। इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसकी क्लिक कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से, और आप देखेंगे अंत में कि प्रश्न कितने गणित में आसान होते हैं, केवल भाषा के रूप में वो गढ़े गए होते हैं। अगर उनकी भाषा ही परख आपको समझ में आ गई तो प्रश्न लगाना एकदम आसान है। यदि ए का 4% वहीं बी का 8%, तो ए का 20% होगा। सोचिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा गणित वाला दिमाग, तो आप इसका उत्तर तुरंत बता देंगे फटाक से। आप कह रहा है यदि ए का 4%, मतलब यदि ए का 4% बराबर है बी के 8%, तो भैया ए का 20% बराबर है बी के कितने परसेंट से, बस यही बता रहे, यही मान आपको बताना है, यही प्रश्न, इतना बड़ा प्रश्न लिखा गया है, ए का 4% बी के, ओह माय गॉड लाइट कट गई, एक मिनट इंतजार करिएगा। यही पे था, हम लोगों ने देखा कि यदि ए का 4%, मतलब सीधा सीधा कह रहा है यदि ए का 4% बराबर है बी के 8% का, तो यहाँ कह रहा है तब ए का 20% बराबर है बी के 40% का, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है ए मल्टीपल टू, तो आप भी कर दीजिएगा ए मल्टीपल टू, बस इसका उत्तर क्या होगा, ये हो जाएगा बी का 40%, ए इसका राइट आंसर होगा। एक बार इसे देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हम इसे दोबारा तिबारा तब तक समझाएंगे जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, ठीक है। अगर आपको समझ में आएगा ठीक है, वरना पक्षांतर करके तब हम आपको बताएं कैसे आपका लगेगा। सीधा सीधा अगर एक अनुपात बदल जाएगा, अनुपात का मान रख देना है और कुछ विशेष काम यहाँ पे नहीं करना है, ये आपको सीधा दिख रहा है, लगाने कई मेथड है लेकिन यहाँ पे सीधा दिख रहा है, इसका दोगुना है आप भी दोगुना कर दीजिएगा, मानी जो बी है ए का दोगुना है, यहाँ पे भी 4 का 8 है 20 का 40%, बस कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या फायदा एनर्जी लगाएंगे बिना सूत्र बिना फॉर्मूले के, हमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न की तरह स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, जो भी लाइव देख रहे हैं वो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है,
एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक का 40% अंक प्राप्त करना था, माने जो पूर्णांक था, पूर्णांक अपने आप में 100% है, उसका 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक था। वह पूर्णांक का 25% अंक प्राप्त करता, कितना 25% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए, मुश्किल से 10 सेकंड, ज्यादा प्रश्न नहीं लगेगा, और आपको हल करके बताना है कि क्या परीक्षा का पूर्णांक है। बहुत ही आसान है, क्या आप इसे हल करना चाहेंगे या हम हल करके बताएं? जी हाँ, ये क्लास आप पूरी तरह से लाइव देख रहे हैं, फटाफट हल करें, और हल होता है ठीक है, वरना हम इसको एकदम एक लाइन में बताएंगे। जी हाँ, जितने लोग इस लाइव देख रहे हैं सभी के लिए, और ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, दुर्गेश सर्च करके इलेनी में दुर्गेश उपलब्ध है। आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए, एक विद्यार्थी को अंक चाहिए था 40%, अगर 40% पाता तो बेचारा पास होता, लेकिन उसे अंक कितने मिलते हैं 25%, और क्या होता है 40 अंक से फेल हो जाता है। मतलब 40% में से 25% अंक प्राप्त करता है और क्या होता है बेचारा, अच्छा 25% अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अब इसी प्रश्न को एक बार आप हल करने का प्रयास करें, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें, अगर आप हल कर लेते हैं तो ठीक है, वरना हम इसे लगाते हैं। देखिए, इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 24% कर लीजिएगा, यहाँ पे 24% होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 24 कर लीजिएगा, यहाँ पे 24% कर लीजिएगा, टाइप करते समय थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पे 24% कर लीजिएगा, 24%, तो 40% जगह 24% पाया, कितना परसेंट कम पाया, 16% कम पाया, और 16% कम पाया तो इसका मतलब 40 नंबर कम है, माने जब 16% और पाता तो 40% अंकों के बराबर होता, तब जाके वो पास होता, इसको 24 कर लीजिएगा। मतलब यहाँ पे साफ है कि अब जो बच्चा था, जो लड़का था, वो 40 अंक कम पाया, परसेंटेज में कितना कम पाया, 16%, तो यहाँ पे हम जानते हैं 16% बराबर 40, तो 1% बराबर 40/16। पूछा है पूर्णांक, तो पूर्णांक अपने आप में 100% होता है, कितना होता है 100% होता है, तो बोले 100%। अब काट के देखते हैं, 4 चौके 16, 4 दहा में 40, 4 से कटेंगे 25, तो 25 दहा में 250, तो जो परीक्षा का पूर्णांक है वो 250 होगा, क्या होगा 250, ठीक, क्या होगा 250, लेकिन याद रखिएगा इसको 24 कर लीजिएगा, इसको 24 कर लीजिएगा, यहाँ पे 24 था, प्रश्न को टाइप करते समय गलती हो गई, इसलिए यहाँ पे 25 टाइप हो गए। स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर सकते हैं, जितने लोग, क्योंकि ये लाइव क्लास चल रही है, ये क्लास पूरी तरह से लाइव है, इसकी स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर लीजिए, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, ठीक, ये क्लास लाइव चल रही है और आप इसे लाइव पढ़ रहे हैं, और आप इसे आराम से पढ़िए, इसकी स्क्रीनशॉट अपने आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। जी हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, 40% अंक पाता तो पास होता, उसे 24 मिले, कितने परसेंट अंक कम मिले, 16% मिले, लेकिन अंकों में कितने कम मिले 40, तो भैया 16% बराबर 40, 1% बराबर 40/16, पूर्णांक पूछा, पूर्णांक अपने आप में 100% गुणे 100 कर दिया, बस बात खत्म। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, अगला चुका है आपके सामने, आपको यह बताना है निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, केवल ये बताने, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सभी लोग बताएं फटाफट कमेंट करके, एकदम आसान है, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल परसेंटेज के रूप में मान रखना है, 50 का 100%, तो भैया इसको लगाना कितना आसान है, 50 का 100% माने 100/100 कर देंगे, तो कट गया, क्या आ गया 50, ये हो गया विकल्प ए,
बी का देखेंगे 100% का 50%, 100% का 50%, तो आइए 100 का 50% होगा, प्रतिशत नहीं होगा, 100 का 50%, बी वाला ये हो गया ए। अब आते हैं बी, बी लिखेंगे 100 का 50%, मैंने 50/100 कट गया, क्या मिला 50। फिर सी है आपका 75 का 75%, 75 का 75/100, तो ये हो जाएगा 5 × 25 = 7/56/100 माने 56.2। अब क्या बचा आपका डी, 12 ये हो गया सी हो गया डी, 1295 का 25%, अच्छा लगता है यही सबसे ज्यादा होगा। गुणा कर बताइए कितना आएगा, ये डी वाला गुणा करिए, 25 × 1295 करिए कितना आता है, 75 का 75%। इसका क्या होगा, गुणा करना पड़ेगा, 25 × 25 = 125, 25 × 9 = 225 और 12 = 37, 23 हो गया, 25 × 50 50 × 23 = 73 हो गया और 25 × 25 = 7/32 बटा 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा आपका 32.3 × 10.7 ये हो जाएगा। ऐसे सबसे छोटी पूछा है तो हमें लगता है यहाँ पे सबसे बड़ी कर लीजिएगा, थोड़ी छोटी छोटी गलती हो गई है, सबसे बड़ी क्योंकि छोटी है नहीं, बड़ी जो है वो डी है, छोटी नहीं क्योंकि दोनों इक्वल हो गया, ए और बी क्या हो गया, इक्वल हो गया, ए और बी इक्वल है। बड़ी अगर पूछता तो सबसे बड़ी आएगा आपका डी और उससे छोटी आएगा सी, ये दोनों इक्वल है, ए और बी क्या है आपस में इक्वल, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, आपस में बराबर। ठीक है, सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो बड़ी आपका डी है, अगर सबसे बड़ी पूछा जाए इस प्रश्न में तो डी होगा। ठीक, क्लियर हुआ ऐसे, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने आ चुका है, बहुत ही आसान प्रश्न है, एक लेखक पुस्तक के छपे मूल्य पर 15% रॉयल्टी रखता है, माने 15% का रॉयल्टी रखता है जो फायदा उसको कहलाता है, यदि एक पुस्तक का छपा मूल्य 60 रुपये है, इसमें 15% लाभ है, तो 1100 प्रतियां उसकी बिक गई तो उसको कितने रॉयल्टी मिलेगी। एक लाइन में आपका इसको लगेगा, आप एक बार हल करके देखिए, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगेगा तो हम बताएंगे। ये देखते हैं कैसा लगेगा, पुस्तक कितने की है 60 रुपए की है, रॉयल्टी कितना मिलेगा 60 का 15%, माने इस पे केवल से 15% का लाभ होगा एक पुस्तक पर, लेकिन कितनी बेची उसने 11 बस, हल कर दिया, 2 लड्डू से 2 लड्डू खत्म, 15 × 96 = 90 माने 900 × 11 तो 11 × 99 के बाद 2 जीरो, ऐसा कहीं है 15 × 96 = 90 9900। अच्छा ये विकल्प था लेकिन यहाँ केवल 900 है, इसे कर लीजिएगा 9900, काफी मिस टाइपिंग टाइपिंग करने थोड़ी दिक्कत हो गई है, विकल्प बना लीजिएगा बी 99900 9900 बना लीजिएगा, विकल्प बी को 9900 बना लीजिएगा, ये मानवीय त्रुटि है, 9900 कर लीजिएगा, 9900 जी, आप जो लाइव देख रहे हैं ध्यान से कर लेंगे, इसे 9900 कर लीजिएगा,
9900। ये प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है, जैसे कह रहा पुस्तक पर 20% रॉयल्टी, 30% रॉयल्टी, एक पुस्तक की रॉयल्टी निकाल ले और गुणा हमने अपने पढ़ा है, तो उसके बाद क्या करेंगे, जितनी पुस्तकें बिक रही हैं, जितनी प्रतियां बिक रही हैं, उसमें उसको मल्टीपल कर देंगे, सामने निकल जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। बस आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक करना चाहती हूं। हमें देखिए प्रश्न को लगाने का तरीका सीखना है। अगर हम लोग प्रश्न के लगाने को तरीके को सीख लेते हैं, प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग चाहेंगे तो इसे लगा लेंगे। कह रहा है कि यदि केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर 10 रुपए में 5 केले और मिल जाते हैं, 10 रुपए में 5 केले और मिल जाते हैं, तो केले के मूल्य में कमी होने से पहले केले का मूल्य क्या था? फटाफट कमेंट करिए, कमेंट कर जवाब दीजिएगा। वैसे मैं आपको इसे एक लाइन में बता दूंगा। पुराना मूल्य और नया मूल्य कैसे निकालते हैं, तो पहले इसका तरीका है, पहले हम क्या करेंगे, दो तरीके से लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे, एक नया भाव निकलेगा, पुराना भाव निकलेगा। मूल्य कम या ज्यादा मिलने वाली मात्रा गुड़े, परसेंटेज कितना है, कमी कह रहा है, तो यहाँ पे एक तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पे है, कम मूल्य कम या ज्यादा मिलने वाली मात्रा गुड़े कमी बटे सौ, इन्हीं दोनों को हल करना है। यहां से एक में नया भाव निकलेगा, एक में पुराना भाव, अभी आप जान जाएंगे। देखिए 5 कम 5, 5 2 10, 2 1 का 2, 2 4 8, 4 से काटेंगे तो 4 6 4 5 20 50, ये क्या हो जाएगा 50। ठीक, यहां पे देखिएगा, ये पुराना मूल्य निकल गया, यहां पे देखिए कैसे निकलेगा, 5 1 का 5, 5 2 10, 5 1 का 5, 5 2 10, ये लड्डू से लड्डू कट गया, लड्डू से लड्डू कट गया, अब ऊपर बचा 2 2 2 2 4, तो 4/100, 4/100, तो 4/100, ये हो जाएगा 0.004। तो यहाँ पे हमें दो बात सीखने को मिला कि ये चीजें तो हमने आपको अतिरिक्त बता दी, मैं इसका रूल बता रहा हूँ आपको और बकायदे समझा कर एक दो प्रश्न का एग्जांपल देकर। ये था नया भाव, केले का मूल्य क्या था, ये हो गया पुराना भाव, पुराना भाव, और ये हो गया नया भाव। इस तरह को प्रश्न को लगाते कैसे हैं, आइए मैं एक दो प्रश्न का एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा। एक दो प्रश्न का पहले मैं एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। लिखेगा, लिखेगा, मैदे के मूल्य में, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैदे के मूल्य में, मैदे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से, 25% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 50 रुपए में 2 किलोग्राम मैदा कम खरीद पाता है। तो उस मैदे का पुराना भाव क्या था और नया भाव क्या है, पुराना भाव नया भाव। इस तरह के प्रश्न में दो तरह के प्रश्न पूछा जाता है। आइए दोनों तरह के प्रश्नों को हम हल करके आपके बीच जानने का प्रयास करेंगे। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे लगाते हैं, यहां से ध्यान से देखना है। यहां पे पहले तो लिखना होगा मूल्य, कम या ज्यादा मात्रा गुणे आर परसेंट बटे 100 ± r, इससे क्या निकलेगा आपका, पुराना भाव।
क्या निकलेगा इससे आपका? पुराना भाव। अब अगर यहीं पे सेम तरीका है, बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं करना है, यहाँ पे मूल्य कम या ज्यादा मात्रा, फिर गुणा आर परसेंट बटे सौ निकलेगा नया। क्या निकल जाएगा? नया। आइए इसकी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग पे दुर्गेश से जुड़ेगा, इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी। ठीक, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इन्हीं दो टॉपिक फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और इसी के आधार पर इस तरह के प्रश्नों को आप लगा लेंगे और हम भी लगाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। पहले कह रहा है कि 50 रुपए में 2 किलोग्राम मैदा कम मिलता है, तो हमने लिखा मूल्य बटे कम या ज्यादा मात्रा, मूल्य बटे कम या ज्यादा मात्रा, फिर गुणे, फिर उसके बाद हमने लिखा आर परसेंट। आर क्या था? 25% की वृद्धि हुई बटे, वही बताएंगे वृद्धि हो गई। अगर पुराना मूल्य निकालना है तो यहां लिखेंगे 100 + 25 माने 125, ये पुराना भाव। अगर आपको यही नया भाव निकालना है तो कैसे निकालते हैं? 50 रुपए कम या ज्यादा मात्रा 2 किलो, परसेंट कितना आर, 25% बटे 100। अब यहां नया भाव निकल जाएगा। आइए इसी को हल करते हैं। 2 से काटेंगे 25, 25 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे तो मैदा क्या था पहले? 5 रुपया प्रति केजी पुराना। यहां पे देखिएगा, 2 से काटेंगे 25, 25 से कब 25, 25 चौका 100 माने 25/4 माने 6.25 रुपया। ये हो गया आपका पुराना भाव। और ये हो गया, क्योंकि 25% वृद्धि हुई है तो बढ़ने के बाद 6.25 रुपया प्रति केजी हो गया मैदा और पहले मैदा था 5 रुपया प्रति केजी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट आप इसकी क्लिक कर लीजिएगा। जी हाँ, इसकी स्क्रीनशॉट क्या करेगा आप क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ से अन्य जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो आपको मिल सके। ठीक, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे जरा कमेंट करके बताएं कि आपको टॉपिक समझ में आया। कहीं भी पुराना भाव निकालना, कुछ नहीं करना है, कम या ज्यादा मूल्य पर लिखेंगे, मूल्य बटा कम या ज्यादा मात्रा गुणे आर परसेंट, फिर नीचे 100 + -r। आर का प्लस का मतलब, जैसे आप भी मैदे का मूल्य बढ़ा, जब मैदे का मूल्य बढ़ा तो यहाँ पे परसेंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, जुड़ जाएगा 100 + 25 = 125। कमी की बात करता तो 100 माइनस। तो यहाँ पे दो बातें हमें और आपको देखने को मिलेगी और ये दोनों बातें स्क्रीनशॉट के रूप में करिएगा। एक ही प्रश्न में हम लोगों ने 2 प्रश्न बना दिए जो कि परीक्षा के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप कहें तो इसका में एकाध प्रश्न और करवा दें। जो भी लाइव देख रहे हैं वीडियो को, अगर उनको दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो मैं इस पे जुड़े हुए 1 से 2 प्रश्न और मैं आपको हल करवा दूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है पूरे वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वे पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जितने लोग इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं बताइए जल्दी से फटाफट, आप हो जाएगा ना? चलिए हो जाएगा, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, आगे हल करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न आप लोगों ने हल कर लिया, अब आपके सामने अगला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। पहले अधिक शब्द कहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो पहले अधिक कहा है, यह मुश्किल से 5 सेकंड में सवाल लगेगा, मुश्किल से 5 सेकंड में सवाल हल होगा। जी हाँ, 5 सेकंड में। कैसे? आइए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। 25% क्या करें? अधिक क्या? पहले हम कुछ नहीं लिखेंगे, 25 अधिक कहा है तो नीचे 100 + 25 = 125 के लिए 25 से कम 25 25 25 125 5 से काटेंगे
क्या आएगा? इसका उत्तर क्या होगा? डी का राइट आंसर होगा, डी का सही जवाब होगा। क्लियर? एनी डाउट? कोई समस्या यहां से नहीं है? आगे बढ़े तब बताइए, यहां से कोई डाउट तो नहीं है ना आपके मन में, जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी बहुत सारे प्रश्नों की सीरीज कराएंगे, इतना नहीं कितना ही करा देंगे। अभी एक बार आपका पहले सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए, एक बार सिलेबस कवर हो जाता है जितना जिन लोगों ने पेट क्लास ज्वाइन किया है, पहले आपकी कोर्स एक बार हम सबमिट कर देते हैं, एक बार कंप्लीट करते हैं, फिर इससे जुड़े ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे। अभी आप परेशान ना हो, एक ही टाइप के कई तरह के एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको स्क्रीन शॉट चालू कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं। यदि एक संख्या के मान में 20% अधिक बढ़ोतरी की जाए और फिर 20% की कमी की जाए तो संख्या के मान में क्या होगा? ये हमने पढ़ाया है, उम्मीद करते हैं आप आसानी से लगा लेंगे। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जो प्रतिदिन क्लास देखते हैं, माने जितने लोग लाइव देख रहे हैं, ये सभी क्लास अगर रेगुलर देखते हैं, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर वो लगातार इस तरह क्लास को देखे होंगे, सारी सीरीज को देखे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप चुटकियों में लगा लेंगे। माना जब कोई संख्या नहीं दी गई, अपने आप में 100% होती है, माना 100 था या तो 100 ले लिया। अब कह रहा है कि पहली दशा में 20% की बढ़ोतरी हुई तो 100 से ज्यादा हुआ, बढ़ोतरी माने 100 से ज्यादा, की दुनिया की हर वस्तु अपने आप में 100 होती है, जब 100 होती है 120/100 फिर बुढ़े कह रहा 20% कमी हो जाए, माने हो जाए 80/100 100 100 से क्लियर, ये लड्डू इसका 12 × 6 ये 100 से ज्यादा या कम? 100 से ज्यादा या कम? पहले 100 था लेकिन अब 96 हो गया, मतलब 4% की कमी हुई। क्या हुई है? 4% की कमी हुई है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? डी का राइट आंसर होगा, डी का सही जवाब होगा। क्लियर? डी का सही जवाब, डी का राइट आंसर होगा। क्लियर? कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति, जितने लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी कहीं समस्या आती है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है ये प्रश्न की स्क्रीनशॉट आपके पास रखनी चाहिए तो रख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या क्या है? आइए इस प्रश्न को लगाएं, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अगर आप लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, अगर वो लोग प्रयास कर देंगे तो ठीक है, अगर आप नहीं प्रयास करेंगे तो हमें इसको लगाना ही पड़ेगा। जी हाँ, सभी लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग, सभी लोग लगाए। पहले तो यहाँ पे देख रहा होगा कुल विद्यार्थी कितने थे, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां, माने टोटल विद्यार्थी 1800 थे, टोटल विद्यार्थी 1800 थे। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसमें ये कह रहा है, इसको छोटा कर दियो कि मुझे लिखने में ना थोड़ा सा जगह चाहिए, इसको हम कर लेते हैं छोटा। दिखाई दे रहा है प्रश्न आपको ना? हाँ दिखाई दो, क्योंकि मुझे जगह यहाँ पे देखिएगा, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं, तो टोटल जो संख्या हो गई वो हो गई 1800। कितने पास हुए हैं या तो कितने फेल हुए, ये भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कितने फेल हुए, दोनों निकाल सकते हैं, कितने फेल हुए कितने पास हुए, वो आपके ऊपर है या हमारे समझाने के ऊपर है। 1000 लड़कों में 60% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो भैया 1000 का 60% निकाल दिया हमने, उत्तीर्ण निकाले, अनुत्तीर्ण से भी लगा सकते, ये दो जीरो कट गया, तो बॉय जो है वो 600 पास हुए। अगर गर्ल की बात करें तो जो लड़कियां हैं वो 800 का 40%, माने 800 लड़कियों में 40% लड़कियां पास हुई है, ये कट गया,
हो गया 320 गर्ल जो है वो पास हुई। कुल कितनी पास हुई है? तो 6,320। कितनी? 920। माने कुल कितने पास हुए हैं? तो हमने ये देखा कि 320 गर्ल प्लस 600 बॉय, कुल पास हुए हैं 6,320। 920 विद्यार्थी पास हुए। फेल कितने हुए हैं? तो फेल कितने हुए? 1800 में से 920 पास हुए हैं, ये पास है, तो भैया 1800 में से निकाल दीजिए। है क्या? जीरो, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 9 गया, ये हो गया 880। ये हो गए आपके, यही निकालना है परसेंट। यही क्या निकालना है आपको? परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा कि 880 लड़के फेल हुए हैं, कितने में से? 1800 में, परसेंटेज के लिए जुड़े 100। ये 0-0 काट देंगे तो बचेगा 880/18। इसको काटेंगे तो लगभग कितना आएगा? ये आएगा आपका 48.5। दिखा आपको सॉरी, मैं जितने लोग लाइव देख रहे थे, मैं इसको अपने समझा देता हूँ अपने हिसाब से। कह रहा है कि एक परीक्षा थी, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियाँ थी, जिसमें 60% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं और 40% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई। तो 1000 का 60% 600 लड़के पास हुए हैं, 800 का 40% 320 लड़कियाँ पास हुई हैं। कुल पास होने की संख्या कितनी है? 920। तो 1800 में 920 पास हैं तो 880 फेल है। 880 फेल हुई ना, तो 880 फेल है कितने में? 1800 में, परसेंटेज के लिए बोले 100 कर दिया, 48.88। फेल से निकालते अगर हम, तो भैया 1000 का जब 60% लड़के पास हैं तो फेल कितना? 40%, तो 400 हो जाता। फिर 800 का 40% जब पास है लड़कियां, 60% फेल, तो 8,480 लड़कियां फेल हो जाती। तो कुल मिलाकर 880 लोग फेल होते 1800 में, तभी हम निकाल सकते। चाहे फेल से निकाले चाहे पास से निकाले, दोनों का उत्तर 48.88 ही आएगा। क्लियर? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रश्न आपके मन में नहीं है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। जी हाँ, अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, यहाँ पे प्रश्न और आ गया आपके लिए, उम्मीद कर रहे हैं आपको दिखाई देगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। एक गांव है, गांव की बात हो रही है कि एक गांव में 4500 जनसंख्या है गांव की, 11/8 भाग पुरुष और शेष महिलाएं। यदि 40% महिलाएं विवाहित हो तो विवाहित पुरुषों की संख्या, फटाफट कमेंट करें और जवाब दें। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट काम करें, बताएं। एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 4500 है, 11/8 भाग पुरुष है। भैया ये देखते हैं कैसे लगेगा। ये हो जाएगा हमारा 4500 का 11/18 निकाल देंगे, इससे क्या निकल जाएगा हमारा? पुरुष। क्या निकल जाएगा हमारा? पुरुष निकल जाएगा। ध्यान से देखिएगा पुरुष। अब पुरुष निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इनमें 40% जो है वो महिलाएं क्या है? विवाहित है। इसमें 40% महिला विवाहित है, तो विवाहित पुरुषों की संख्या क्या है? अगर हम लोग इसी में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। 4500 जनसंख्या हो गई, 11/8 भाग पुरुष है और शेष महिला है। यदि 40% महिलाएं विवाहित हो तो पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या क्या होगी?
आइए इसमें देखते हैं, कह रहा है कि यदि 40% महिला विवाहित है तो पुरुष भी 40% विवाहित होंगे, तो बूढ़े 40/100। आइए इसको हल करते हैं। दो लड्डू 9 × 2 = 58, 9 × 5 = 2, 20, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 2 × 110 माने 1100। थोड़ा सा दिक्कत होगा ना, कहीं गलती हुआ क्या? जो जो जुलूस कर गया, 40/100 है। एक बार दोबारा हल करते इसको, कहीं गलती हो रही क्या? 4500 है, तो सबसे पहले 4500 का 11/18 पहले ये निकालते पुरुष, शेष महिला हो जाएंगी, तो 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, 500, 2 × 5 = 250 × 11 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 27, 2750 हो गया। अब 2750 पुरुष हो गए और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% महिला विवाहित हो, 40% महिला विवाहित हो तो 40% क्या हो जाएगा? 27 × 2 = 54, 55। अच्छा, 27% यदि महिला विवाहित हो तो विवाहित पुरुषों की संख्या क्या होगी? शेष महिला है, शेष महिला है, मतलब अगर हम 4500 में से 2750 ये पुरुष निकाल दिए, महिला कितनी बचेंगी? ये बचेंगी 1750 फीमेल बचेंगी, और इस फीमेल का 40% महिला विवाहित, 40% महिला विवाहित है। तो जरा एक काम करिएगा आप लोग, 2750 का 40% क्या होगा? एक बार हम लोग निकालते हैं, 2750 का 40% लड्डू कट गया, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 और 4 × 7 = 28, 2 = 30, 4 × 8 = 11, 1100 आ रहा है। और 1750 का निकालते हैं, एक मिनट पे देखिएगा, 1750 का 40% निकाला जाए, ये कट गया, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 2 × 4 = 28, 2 = 30, 4 × 4 = 60। चलिए ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे पुरुष निकाला जाए, विवाहित पुरुष, तो 1100, विवाहित महिला 700, लिख लीजिएगा, विवाहित पुरुषों की संख्या 1100 होगी, विवाहित महिला की संख्या 700 होगी और महिला की संख्या केवल 1750 होगी। जी हाँ, लिख लीजिएगा जरा, तो सभी लोग, मैं इसे दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा ये कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 4500 थी, उसमें 11/18 पुरुष थे, शेष महिलाएं थी। यदि 40% पुरुष विवाहित थे तो महिला भी विवाहित होंगी, महिला विवाहित थे तो पुरुष भी होंगे। इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, चाहते हैं एक लाइन में भी आप लगा सकते थे। कैसे एक लाइन में लगेगा? एक लाइन में लगाने का तरीका है, हम लोग लिखेंगे 4500 × 11/18, ये हो गया पुरुष संख्या, गुणे 40%, गुणे 40/100 कर देंगे तो आएगा 1100 पुरुष विवाहित है। अगर महिला पूछा जाए तो महिला संख्या 1750 है, 1750 का 40% अर्थात 900 महिला विवाहित है। कितनी? 750 महिला विवाहित है। एक लाइन में फिर से लगाना था तो एक लाइन में हम लोग लगा सकते हैं ऐसे, एक लाइन में ऐसे लगता है ये 4500 × 11/18 × 40/100।
तभी आता ये कितना 1100। क्लियर। इसे विकल्प में महिला पूछना चाहिए था, विवाहित महिलाओं की संख्या, यहाँ पे पुरुष जगह विवाहित महिला पूछना चाहिए था, विवाहित महिला पूछता तो आता आपका 7। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो टाइप करते समय प्रश्न गलती हो गया है, ठीक है, शेष महिला पुरुष देख रहे सभी गलत टाइप हो गया है, तो टाइपिंग वाले सवाल है इसलिए थोड़ी गलती हो गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 36 आपके सामने आ चुका है, शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा। कह रहा है कि एक पुरुष या एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष 75% अन्य मदों पर खर्च करता है। अंत में उसके पास 175 रुपए बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे? जितने लोग लाइव है फटाफट कमेंट करके बताएं कि प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। देखिए अगर इसको लगाने का तरीका देखा जाए तो बहुत आसान तरीके से, अगर हमने माना कि उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में 100 रुपए थे, अगर उसने 12.5% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 100 में 12.5 निकाल दिए तो 87.5% माइनस के पास बचेगा कितना? 87.5% 75% अन्य मदों पर खर्च किया, बचा कितना? 25%। इस प्रकार जो उसकी बचत थी वो 175 रुपए, इसी को हल कर दिया। यक्ष की जो वैल्यू होगी उसका, यक्ष रुपया कमाता था, 12.5 खर्च किया 87.5 बचाया, फिर गुड़े शेष का 75 खर्च किया 25 बचाया, इस प्रकार उसने 175 रुपए बचाए। अब इसी टॉपिक को हल करिए, हल करने पे जो आपका रुपया आएगा वही इसका उत्तर होगा। आइए हल करते हैं। यहाँ पे 10 हटाने के लिए 0 बढ़ा दीजिए, ऐसा हमने पढ़ाया भी है। 25 एक का 25, 25 चौका 100। क्लियर। यहां देखते हैं 25 से काटेंगे, 25 75 25 25 125, 25 75 बचेगा 12, 25 बचे 125, 25 चौका 100। गलत हो गया, एक काम करते इसको नए पेज पे लगाते हैं ना, तब वहां से आइए हम यहाँ पे हल करते हैं, लेकिन वहां पे ना हमको ही नहीं दिख पाता। कह रहा है कि एक व्यक्ति 100 रुपया कमाता था, 12.5% खर्च करता था तो बचता कितना था? 27.5%। फिर 25% अन्य मदों पर 75% खर्च किया तो बचाया कितना? 25/100 बचा। इस प्रकार उसके पास 175 रुपए बचे। इसे हल करना है तो यक्ष बराबर 175 पहले से है, ये जाएगा सब पलट जाएगा, ऊपर 100 ऊपर हो जाएगा 87.5, 10 खत्म करना है तो 0 पर बढ़ा दीजिए, 10 खत्म, ये हो जाएगा 100/100। इसी को हल करना, जैसे ये हल हो जाएगा आपको, ये हल करते हैं, काटते हैं 25 का 25, 25 चौका 100। 25 से काटते हैं हम लोग तो 25 से 25 तिया 75 25 तिया 75, 12 25 25 125, 25 चौका 100, 0। 35 एक का 35 35 25 175, नीचे का सब कट गया तो यक्ष बराबर 5 चौके 20 चौक 80 माने 800। क्या हो जाएगा? 800। कितना होगा? 800 रुपए। क्या होगा? 800 रुपया, 800 रुपया हो जाएगा। क्लियर, ये 800 रुपया हो जाएगा। कैसे देख लिया आपने? यहाँ पे इसका उत्तर जो होगा वो होगा 800। ये व्यक्ति अपने वेतन का इतना जब खर्च किया बचाया कितना? 87.5, 75 खर्च किया बचाया कितना? 25। इस प्रकार कितना बचा उसके पास? 175। ये 800 जो था उसकी वैल्यू हमने अंत निकाल दी।
क्लियर हुआ? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आप अगले दिन आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट संबंधित जानकारी ले सकते हैं, और इन टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ के लिए दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, स्पेस नहीं होना चाहिए, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, ई लर्निंग भी दुर्गेश को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम ई लर्निंग भी दुर्गेश, ट्विटर ई लर्निंग भी दुर्गेश, जो भी फेसबुक ई लर्निंग भी दुर्गेश, जिस प्लेटफॉर्म पर आप इसे देखिएगा आप उसे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ।